नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब हो गई सुबह, तो मैं आ गई हूँ रसोई में। तो अब बना रही हूँ चाय, तो चाय रख दी है और तो ये बन रही है मेरी चाय। चाय रख दी मैंने और इधर मैंने दूध रख दिया है। छोटू को दूध दे दिया गर्म करके, वो दूध पी रहा है अंदर। तो मैंने ये उबालने के लिए रख दिया है और अब मैं बना रही हूँ चाय। चाय बनाने के बाद लगाऊँगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू नहीं लगी अभी और पानी भी नहीं आया है। अभी पानी भरूंगी, पानी आया नहीं, लाइट नहीं, लाइट तो आ रही है लेकिन अब पानी आया नहीं पीने वाला इधर। तो अभी पानी भर के लाऊंगी। तो चाय बन रही है, तो आप भी चाय पी जाए। मैंने थोड़ी बनाई है दोनों के लिए, पहले बना ली थी मैंने चाय जल्दी। और इधर मैंने छोटू के लिए अलग से दूध निकाल के रख दिया है। मैं इसको अलग से गर्म करूँगी क्योंकि बिगिन मलाई का पीता है, तो मैं इसको उसमें ज़्यादा मलाई आ जाती है, तो इस वजह से मैं इसमें कम डाल के अलग से करती हूँ गरम। ये मेरी चाय बन गई है, ये फ्रेश होके आ गए, अभी चाय पियेंगे। इनकी ले जा रही हूँ, दोनों बाप बेटी वो अंदर बैठे हैं, छोटू इसकी मम्मी, तो इस वजह से मैं इनके लिए चाय लेके जा रही हूँ। हॉल में हम सोते हैं दोनों माँ बेटी कीनू, तो मैं कंबलों की तय कर रही हूँ और दूसरे कमरे में इसके नानू सोते हैं, तो वहाँ उसकी तय करके आई हूँ अभी। तो ये कीनू खेल रहा है, तो मैं फिर झाड़ू लगाऊंगी इसके बाद। ये कंबल रखे हैं तो ठंड है, थोड़ी थोड़ी पंखा चलाते हैं तो ठंड लगती है, तो थोड़े पतले वाले कंबल ले रखे हैं हमने, तो यही होते हैं। कीनू कहाँ जा रहे हो? बाय। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू और कीनू को कर दिया मैंने बाहर, क्योंकि कीनू यहाँ अपने खिलौने फेंकता रहता है, तो एक फेंकता है इधर से उठा के लाता है, तो वो बाहर खेल रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ। और अच्छा, कीनू ये लॉकडाउन हो गया, कीनू 21 तारीख तक हमारे पास ही रहेगा, क्योंकि इसके पापा चले गए दिल्ली, तो वो आ भी नहीं सकते। तो वो कह रहे चलो ठीक है, इसको खिलाओ आराम से, आप इसके साथ खेलो। और वो अकेले हैं, टेंशन तो है कि चलो अकेले हैं कैसे बना के खाएंगे करेंगे, लेकिन अब तो रहना ही पड़ेगा। और पोती भी 5 महीने की होगी, 6ठे में लगी 21 तारीख से, वो भी आते हैं, उन्होंने भी छुट्टी ले रखी थी, उसके बाल उतरते नवरातों में, लेकिन अब वो भी नहीं आ सकती, तो उसकी भी बहुत याद आ रही है, तो बहुत चुलबुली हो गई है खेलने वाली। किनू आ जाओ। अरे वाह, आ जाओ नीचे ले आओ किनू, मैं जा रही हूँ आज छत पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि 8 दिन में लगाती हूँ, तो अब जा रही हूँ छत पर। जो छत की जो मोमटी होती है उसको ताला लगाकर हम यहीं बांध देते हैं इस खिड़की के, तो इसके नानू यहीं बांध के ले जाते हैं, तो मैं ताला खोल रही हूँ चाबी इधर ऊपर, क्योंकि नीचे ले आते हैं फिर भूल जाते हैं, जाती हूँ नीचे, इस वजह से चाबी यहीं रख देते हैं। छत पर गेट खोल लिया मैंने, जैसा मौसम हो रहा है यहाँ बदल हो रहे हैं, वैसे मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर यह है कि थोड़ा फसल के लिए नुकसान है, नहीं इतना अच्छी हवा आ रही है ऊपर, बहुत अच्छा ठंडा मौसम हो रहा है। ये क्या, नीचे ढलान के लिए गाड़ी चढ़ती है, वहाँ ये टाइल लगाई थी, तो ये टाइल बच गई थी, तो मिस्त्रियों से उसी टाइम छत पर रखवा दी थी, लेकिन अब सब टूट फूट गई, तो मैं इनको एक जगह रख रही हूँ, क्योंकि नाली के पास है, कई बार क्या है नाली का पानी बंद हो जाता है, तो इनको उठा उठा के एक साइड रखूँगी। अभी तो मैंने इकट्ठी कर दी है, तो टुकड़े हो रहे हैं सारे, बंदर ने तोड़ दी, क्योंकि वैसी एक अच्छी वाली सी थोड़ी तो टूट जाती हैं, तो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं सारे, तो मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ, फिर इसके बाद इनको नीचे ही रात में भर के फेंक दूँगी, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी सारी है ये, तो टूट गई सारी, तो ये मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ।
क्या ऊपर आ गए छत पे, तो हम कीनू को बता के नहीं आए थे, तो उसके नानू के साथ नीचे खेल रहा है, क्योंकि उसको पता लगता था वो भी आता है ऊपर ना, क्या लाइट के तार आ रहे हैं ऊपर, तो बच्चे से डर लगता है कि खींच ले, हमारा मीटर क्या है ये ग्रिल में ही टांग रखा है, तो वो तार भी होती है, तो बच्चे का डर लगता है, तो उसको पता लगेगा तो भागेगा ऊपर, तो उसको बता के नहीं आए। बाय। गाड़ी चलने यार, तो पागल होता है यार। कर रहा तैयारी ऊपर आने की, आया आया, छोटी छोटी गाड़ी उठा के ऊपर आ रहा है, चला के अंदर। आज भी 9:30 बजने वाले हैं, देख लेके देखियो कितना अंधेरा सा हो रहा है, आज भी बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो बरसात का मौसम हो रहा है पूरा, तो लोगों ने क्या करा, थोड़े कच्चे गेहूँ को काटने लग गई, कम से कम कट जाएंगे तो झड़ेंगे तो नहीं, तो कई बार ओले आ जाते हैं तो झड़ जाते हैं, तो इसलिए लोगों को आज। यह हमारे वो बगल वालों का घर, इनकी मौसी का घर, और देखिए वो घड़े गेहूँ, गेहूँ का खेत खड़ा है, पक्का खड़ा है बिल्कुल, तो इसलिए चिंता हो रही है कि बारिश आ गई तो सारा गेहूँ झड़ जाएंगे, नीचे देखिए बिल्कुल पक्का खड़ा है खेत, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्रीम क्रीम कलर बाल दिख रही है एकदम गोल्डन कलर की। उधर भैंस के लिए कुछ बना रही है चूल्हे पे बैठकर कि मौसी, और देखिए पूरा गांव देखिए आप, बिल्कुल सुनसान पड़ा है पूरे गांव में, कोई पैर छतों पे भी नजर आ जाते थे लोग। ये हमारी टंकी रखी है इधर साइड में, मकान की साइड में ये बना दिए। कोई भी गली में देखिए, गली नज़र नहीं आ रही, गली खाली पड़ी है पूरी, कोई बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको कहीं भी, सब अंदर अंदर घरों में पड़े हैं, मतलब गेट के बाहर भी नहीं निकल रहे, कि जैसे बाउंड्री हो रही है तो बाहर भी घूम जाते हैं, जैसे बाहर भी नहीं निकल रहे गेट के बाहर भी, गांव में इतनी हो गई है। और जब देखिए आपको यहाँ से गली दिख रही होगी, पूरी गली सुनसान पड़ी है। अब लगा रही नीचे झाड़ू, तो झाड़ू लगा के फिर जाऊंगी नहाने के लिए। मैं छत पे से झाड़ू लगा के आ गई, तो मैंने तिल्ली वाली झाड़ू नीचे डाल दी, सारी तिल्लियां निकल रही थी, तो मैं बोल रही इनको इस बार अच्छे से कोई रस्सी बांधो, तो इन्होंने बांध दी रस्सी उसमें झाड़ू में तिल्ली वाली में, और कीनू रूसा पड़ा देखिए वो नीचे पड़ा है, क्योंकि वो मैंने क्या मांग रहा था, रूस जाता है तो नीचे लेट जाता है, सिर्फ होता है जमीन में, ऐसा हो गया। अब ये बस लग गई है झाड़ू, बाहर बरामदे में लगाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी नहाने, फिर करूंगी पूजा, क्योंकि सारा झाड़ू वाड़ू लग गई, छत पर लगाए नीचे भी लग गई है, तो बस अब नहाने का काम रह गया, उसके बाद पूजा पाठ करूंगी। जी करूँ हो जे जे, उधर 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 करो, उधर करो उधर। तो एक छोटा सा भजन गा रही माता रानी का, क्योंकि मैं रोज की तो पहले भी हम रोज 9 दिन करते थे, तो मैंने ये सोच रखा है कि माता का कुछ ज़्यादा सेवा सब पूजा पाठ नहीं हो रही, तो कम से कम एक भजन तो रोज पहले गणेश जी भगवान को मनाती हूँ, गणेश जी का मेरी वंदना पूरी नहीं आती, एक गणपति भगवान आपका नाम करके शुरुआत करती हूँ, तो एक एक भजन बोलती हूँ रोज अकेली, और कोई है ही नहीं जो है, तो मतलब आप भी जाएँ तो गेहूँ कट रहे हैं, वैसे भी एक दूसरे के घर कोई आ नहीं रहा आजकल, कोई भी नहीं आ रहा, तो अकेले ही है तो अकेले ही बोलूँगी, और सी किलो के साथ उसकी वो मेरी बेटियाँ लग रही है, तो वो बैठ नहीं सकती, वो बैठता नहीं एक जगह, तो दौरानी आती पर वो 3-4 बजे आती है, तो मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो उसी टाइम भजन बोल लेती हूँ, तो मैं बोली सत्यनता वाली माता तेरी सदा ही जय, एक छोटा सा भजन बोल रही हूँ। जंगल में मंगल कर गई रे मेरी शेरों वाली मैया, जंगल में मंगल रे मेरी शेरों वाली मैया, टीका तो मैं लेकर आ
काली मैया जंगल में मंगल कर गई रे मेरी शेरो वाली मैया। पायल तो मैं लेकर आई, पायल तो मैं लेकर इरे बिछुए लाना भूल गई रे मेरी शेरो वाली मैया। हाँ मैं तो बिछुए लाना भूल गई रे मेरी शेरो वाली। हाँ जंगल में मंगल कर गई रे मेरी शेरो वाली मैया। लहंगा तो मैं लेकर आई, लहंगा तो मैं लेकर आई रे चोला लाना भूल गई रे मेरी शेरो वाली मैया। मैं तो चोला लाना भूल गई रे मेरी वाली मैया। हलवा तो मैं लेकर आई, हलवा तो मैं आई रे भोग लगाना भूल गई रे मेरी शेरो वाली मैया। मैं तो भोग लगाना भूल गई रे मेरी शेरो वाली मैया। जंगल में मंगल कर गई रे मेरी शेरो वाली मैया। वो सदिया जोता वाली माता तेरी सदा आई जय। ये छोटी सी भी तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में। ये है घिया का रायता, इसकी चाची ने भेजा है घिया का रायता बनाकर। और मैंने पहले सब्जी बना ली और मैंने अब थोड़ी सी सिर्फ साफ कर दी है। नीचे पोछा लगाया नहीं आज अभी, और लाइट नहीं आ रही थी आज, तो मैंने आज बनाया ये मक्खन। तो अभी इसको निकाल के रखूँगी, रोटी जब भी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को भी मक्खन का शौक है कि मक्खन से खाएंगे, ताज़ा मक्खन से। तो लाइट के बगैर आती नहीं है, पहले तो हाथ से कर लेते थे। तो ये मैंने मक्खन बना लिया। पहले तो सुबह 7 बजे लस्सी कर लेते थे, लेकिन आजकल तो लाइट के इंतजार में बैठे रहते हैं। तो अब लाइट आई थी तब जाकर मैंने ये लस्सी बनाई, तो ये मक्खन निकला है। अब इससे ही रोटी चुपड़ूंगी, ताज़ा मक्खन का ज़्यादा अच्छी भी लगती है रोटी। अभी 2 टाइम आ जाएंगी, सुबह की भी शाम की भी 2 टाइम की रोटी चुपड़ा आ जाएंगी इसके वैसे मक्खन के अंदर। बाकी आप पराठे से भी खाओ, कुछ भी खाओ, तो ये मेरा मक्खन हो गया। और ये लस्सी है, शाम को अगर देखूँगी कढ़ी बनाऊँगी तो कढ़ी बना लूँगी, नहीं तो भैंसों की सानी में डाल देते हैं हम, ज़्यादातर भैंसों की सानी में ही डाल देते हैं जब नहीं बनाते हैं तो क्या करेंगे। तो ये हो गया, इधर मैं रख लेती हूँ गर्म पानी, ताकि जब हाथ चिकने होते हैं तो उस साथ में देती हूँ तो घी चिपकता नहीं है। ये मैंने गर्म पानी कर लेती हूँ साथ में, तो मेरा मक्खन तैयार है। कपड़े बर्तन थोड़े तो बर्तन मांगूंगी। तो ये मैंने बैंगन भून लिया था पहले, तो कच्चा बैंगन
उसके बाद मैं दो टमाटर डालूंगी छोटे छोटे, और एक प्याज है, और ये दो तीन हरी मिर्चें जिनको काट के मैं उसमें वैसे कच्चे ही डालूंगी क्योंकि कच्चे का बहुत अच्छा स्वाद रहेगा, तो इस वजह से मैंने डाला है। और इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल दी, और नमक और लाल मिर्च चुपकी भर के, ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, और कोई मसाला नहीं डाला इसके अंदर मैंने तो। और थोड़ा जीरा भून के डाल सकते थे लेकिन मैंने डाला नहीं जीरा भून के, इससे और भी अच्छा स्वाद आता है थोड़ा। तो ये मेरा कच्चा वाला भुर्ता है, एक तो बनाते हैं अपने अंदर जैसे मसाला भूंजा उसके बाद मतलब बैंगन का भुर्ता बनाते हैं, ये कच्चा वाला है क्योंकि मेरी सास बहुत बनाती थी, तो ये बड़ा स्वाद लगता है चटनी के रूप में। मतलब ये एक बैंगन की चटनी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, तो ये बैंगन की चटनी है, आप खा के देखिए बहुत अच्छी लगती है ये, तो एक बार बना के ट्राई करिए। मेरी बैंगन की चटनी बन गई है, मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी खा के अब खुश हो गया, रोटी खाएंगे फिर बर्तन तर माजेंगे। तो आज मेरा काम यहाँ तक का ब्लॉग ख़त्म, और मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह।